अखबारों से कहा जाता है कि इसके बारे में छापी है, तो अखबार वाले सीधे जब ये खबर भी छापते हैं तो अखबारों में इतनी हिम्मत और नैतिकता नहीं रहती है, वो इसमें लिखते हैं और कहते हैं कि हमने इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा, उन्होंने सर अखबारों की बात तो छोड़ दीजिए, सारे अखबार आधे से ज्यादा अखबार तो आम आदमी पार्टी ने खरीद रखे हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोग तो विज्ञापन देकर के खबरें मैनेज करते हो, मैं जानता हूं, मैं दिल्ली के 10 पत्रकारों को जानता हूं जो अपने अपने अखबार में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई खबर नहीं छपती, क्योंकि इतने विज्ञापन भर भर के मिलते हैं, हमको ये कहा जाता है कि विज्ञापन जो है रोक दिए जाएंगे। संजीव कौशिक मैं तथ्यों पर, सुनिए संजीव कौशिक मैं तथ्यों पर बात करता हूं, और अगर आप सुनिए, आप राजनीतिक प्रवक्ता बने हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक प्रवक्ता है, मैं तथ्यों पर बात करता हूं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कितने टेलीविजन चैनलों पर एक मिनट सुनिए, कितने टेलीविजन चैनलों पर जो है कितने कितने घंटे के विज्ञापन आते हैं हमें पता है, और हमें पता है आम आदमी, और हमें यह भी पता है, हमें यह भी पता है कि अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू कैसे फिक्स होते हैं, ये तक तय करता है अरविंद केजरीवाल कि पीछे भगत सिंह की फोटो लगा दो बड़ा क्रांतिकारी लगेगा, हमको भी पता है मीडिया कैसे आम आदमी पार्टी मैनेज करती है, ये अशोक श्रीवास्तव को मत समझाइए, सुनिए चैलेंज कर रहा हूं संजीव कौशिक, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस खबर पर, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को एक्सपोज कर चुका हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मैं अभी सुनिए, मैं अभी दे रहा हूं, गूगल करिए वो खबर निकाल के दिखाइए, चुनौती दे रहा हूं, मेरे 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 डिबेट में पूरी तैयारी के साथ, पूरे पूरी तैयारी के साथ मेरे डिबेट में आया करिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, सभी को जय श्री राम। दोस्तों जब से एके भाई हमारे जेल में गए हैं, जब से इनके जो प्रवक्ता हैं बोरा गए हैं, पागल हो गए हैं, ये चमचे चमचागिरी की हद पार कर चुके हैं। देखने वाली बात तो ये है, कोर्ट, ईडी या फिर यहाँ की आम जनता भी हो दिल्ली की, सब अरविंद केजरीवाल को शक की निगाहों से देख रहे हैं, पर ये जो चमचे हैं ये इन्हें अभी भी लगे पड़े हैं कि कैसे न कैसे भगत सिंह और कट्टर ईमानदार इन्हें घोषित कर दिया जाए। पर आप सभी ने एक डायलॉग तो सुना होगा कि मुंह में नहीं निवाला और ससुर ने भेजा साला, यानी पहली मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, एक मुसीबत आ गई है। मुसीबत यह आई है कि जो पन्नू खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो कि अमेरिका बेस्ड टेररिस्ट है, अमेरिका में रहता है, उसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि उसने 134 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी एक भुल्लर आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, जिसमें कि केजरीवाल ने उन्हें मदद करने का वादा किया था, पर केजरीवाल हमेशा की तरह अपने वादे से मुकर गए और वहां भी चालाकी दिखाने लगे। इसी पर डिबेट चल रही थी और केजरीवाल का चमचा उसकी चमकाने में लगा हुआ था, पर डिबेट के अंदर डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने इस चमचे को बहुत बढ़िया रगड़ा है। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। तो आइए चमचे की कुटाई देखते हैं। संजीव कौशिक, ये बहुत गंभीर आरोप हैं जो लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, क्या कहेंगे आप? आप म्यूट पर हैं। जी 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 संजीव जी, इस आरोप के आधार पर अरविंद केजरीवाल के साथ क्या करना चाहिए? क्या 130 करोड़ का कहीं कोई मनी ट्रेल दिखाई दिया? आपको दिखा? उसने जो वीडियो जारी किया उस वीडियो में आगे भी वो कहता है कि जो वादे किए गए थे उस वादे के अनुसार बात नहीं हुई और वादा खिलाफी करके पंजाब में हमारे आतंकवादियों को इनकाउंटर किया जा रहा है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे जब ये बात कहता है तो। सवाल यह है कि 130 करोड़ देने की जब बात करता है जिसका कोई मनी ट्रेल दिखाई नहीं देता है, कब दिया, कैसे दिया, 8 सालों में दिया उस, लेकिन क्या सिर्फ एक वीडियो जारी कर देने से ये चर्चा का विषय हो जाता है कि 130 करोड़ उसने दिए थे और इस पर इतने गंभीर आरोप लगा करके कि नहीं आपने उससे खालिस्तानी आतंकवादी से आपने पैसे लिए थे? संजीव जी सुनिए, आपने कहा कि क्या आरोप लगाने पर चर्चा, आपने मुझे नहीं मालूम आपने मेरा ओपनिंग रिमार्क सुना नहीं सुना, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बात भी कही, एक पत्रकार का काम होता है कि दोनों तरफ की बात करना, मैंने ये भी कहा कि भाई एक आतंकवादी है भारत के बाहर बैठा, हो सकता है भारत की राजनीति को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसने ऐसा बयान दिया, लेकिन कई जो है उसके बयान के बाद कई चीजें और सामने आ रही है ना, मैं तो उन पर बात कर रहा हूं। और आपने सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए संजीव कौशिक, आपने बहुत ही मतलब एक हल्का तर्क दिया, मैं तो आपको मेरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, मुझे उम्मीद रहती है आप जो है अच्छे तर्क देंगे, लेकिन आपने एक बड़ा हल्का तर्क दिया, आपने कहा रेड्डी के 50 करोड़ पे चर्चा नहीं हो रही है और इसके 130 करोड़ पे चर्चा हो रही है। सवाल 50 करोड़ 130 करोड़ का नहीं है, रेड्डी के 50 करोड़ या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर भी लगातार इस देश में चर्चा हो रही है, लेकिन अगर इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को भारत को तोड़ने वाली ताकतें फंडिंग करने लगेंगी, अगर मैं शब्द लगा रहा हूं सुनिएगा, तो आप ये चाहते हैं कि हम इस पर चर्चा भी ना करें? आपको मेरी बात पूरी होने दीजिए, मतलब आप इतनी हल्की बात कैसे कह सकते हैं? भारत एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई आतंकी संगठन, मैं कह रहा हूं ना कि कोई बात नहीं, हो सकता है झूठा हो, बिल्कुल झूठा हो, लेकिन अगर एक आतंकवादी संगठन यह कह रहा उसने भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी को आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए फंडिंग करी, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए?
ये अपने आप में, ये अपने आप में मुझे लगता है ये बड़ा हल्का तर्क है, और मैं आपसे ऐसे हल्के तर्क की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अशोक जी, उस वीडियो से ज्यादा हम आप पे भरोसा कर लेते कि आपका कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ होता, आपका कोई गया होता इंटरव्यू करके आया होता, आपके तरफ से कोई ऐसी सूचना मिली होती कि इस वीडियो की सत्यता की गारंटी हम देते हैं। वो एक व्यक्ति जो खुद विदेश में है और भारत से फरार व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बातों पर एक वीडियो जारी करता है, उसमें से आधे वीडियो के बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि वो ये बात कह रहा है तो अगली लाइन को क्यों आप छोड़ दे रहे हैं कि पंजाब में लगातार हमारे आतंकवादियों को एनकाउंटर किया जा रहा है, वो ये भी तो कहता है ना उस लाइन में, तो हम उस बात पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि ये इनकाउंटर करने की वजह से एक आरोप लगा रहा है वो। मैंने हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है वो एनकाउंटर करने के कारण आरोप लगा रहा हो, मैं तो फिर वही कह रहा हूं, हो सकता है आरोप लगा रहा हो, तो भाई सीधी सी बात है, अगर 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 लग रहा नहीं हुआ तो, पर एक बात ये है कि आपने कहा, आप ये भी कह सकते थे कि इसकी एनआईए जांच करे, राजनीति इसकी एनआईए जांच करे। अशोक जी, राजनीति में सारा खेल टाइमिंग का ही होता है, और ये टाइमिंग देश की जनता भी समझ रही है कि इस टाइम में क्या चल रहा है देश में। देश में इस तरह के बेबुनियाद आरोपों पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन साफ यहाँ मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है, जहाँ देख साफ दिख रहा है कि पैसा कहाँ से आया, किस परिस्थिति में आया, किसके खाते में गया, कैसे गया, उसमें हम चर्चा करने के लिए तैयार। अखबारों ने, जब अखबारों से कहा जाता है कि इसके बारे में छापी है, तो अखबार वाले सीधे जब ये खबर भी छापते हैं तो अखबारों में इतनी हिम्मत और नैतिकता नहीं रहती है, वो इसमें लिखते हैं और कहते हैं कि हमने इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा, उन्होंने कोई सर अखबारों की बात तो छोड़ दीजिए, सारे अखबार, आधे से ज्यादा अखबार तो आम आदमी पार्टी ने खरीद रखे हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोग तो विज्ञापन देकर के खबरें मैनेज करते हो, मैं जानता हूं, मैं दिल्ली के 10 पत्रकारों को जानता हूं जो अपने अपने अखबार में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई खबर नहीं छपती, क्योंकि इतने विज्ञापन भर भर के मिलते हैं, हमको ये कहा जाता है कि विज्ञापन जो है रोक दिए जाएंगे। मैं आपको दैनिक जागरण सुनिए, मैं अखबार का नाम लेके बताता हूं, अब मैं एक पत्रकार का नाम लेके बताता हूं, एक पत्रकार, एक राजनीतिक संपादक को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था अखबार से क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सुनिए सर, मेरे से संजीव कौशिक, मैं तथ्यों पर, सुनिए संजीव कौशिक, मैं तथ्यों पर बात करता हूं, और अगर आप सुनिए, आप राजनीतिक प्रवक्ता बने हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक प्रवक्ता हैं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कितने टेलीविजन चैनलों पर एक मिनट सुनिए, कितने टेलीविजन चैनलों पर जो है कितने कितने घंटे के विज्ञापन आते हैं हमें पता है, और हमें पता है आम आदमी, और हमें यह भी पता है, हमें यह भी पता है कि अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू कैसे फिक्स होते हैं, ये तक तय करते हैं अरविंद केजरीवाल कि पीछे भगत सिंह की फोटो लगा दो बड़ा क्रांतिकारी लगेगा, हमको भी पता है मीडिया कैसे आम आदमी पार्टी मैनेज करती है, ये अशोक श्रीवास्तव को मत समझाइए कि मीडिया कैसे करती है। अशोक जी, 10 सेकंड तो प्लीज देना पड़ता है आपको, 10 सेकंड तो देंगे आप, हम उम्मीद करते हैं। अशोक जी, आज से 4-5 दिन पहले आरटीआई के एक रिपोर्ट से निकला कि वो खबर भी आई थी, प्रभात खबर ने या तमाम दैनिक भास्कर ने, अखबारों ने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा भी है, पिछले 2 सालों में देश के प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने के लिए तकरीबन 10 अरब से ज्यादा, करीब 11 अरब के आसपास में रुपए खर्च किए गए हैं केवल विज्ञापन। चैलेंज कर रहा हूँ, सुनिए चैलेंज कर रहा हूँ संजीव कौशिक, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस खबर पर, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को एक्सपोज कर चुका हूं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, अभी सुनिए, मेरी बात संजीव कौशिक, मैं अभी दूसरे मेहमान के, सुनिए चैलेंज कर रहा हूं सुनिए संजीव कौशिक, चुनौती दे रहा हूं मैं अभी जा रहा हूं एसपी वैद जी के पास, चुनौती दे रहा हूं, गूगल करिए वो खबर निकाल के दिखाइए, चुनौती दे रहा हूं, मेरे 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 डिबेट में पूरी तैयारी के साथ खबर है, मैं पूरे पूरी तैयारी के साथ मेरे डिबेट में आया करिए, जो आपने रकम बताई है ना, चैलेंज कर रहा हूं संजीव कौशिक, चुनौती दे रहा हूं, गूगल करिए, ना आप बहस मत कीजिए, गूगल करिए, 5 मिनट दे रहा हूं। दोस्तों, राजनीति चीज ही ऐसी है, नेता लोग राय तो फैलाते हैं और चमचा उसे पोंछने में लगे रहते हैं। बाकी अगर आपको डिबेट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।